हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉपिक बॉक्स। कैसे हो फ्रेंड्स आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए होली से रिलेटेड टॉपिक लेकर आई हूँ। आई विश कि आपको पसंद आएगा। और जिसने अभी तक मेरे चैनल टॉपिक बॉक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे चैनल टॉपिक बॉक्स को सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, होली के दिन क्या करें और क्या ना करें, ये हमारा आज का टॉपिक है। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि रंग जरूर खेलें। इस दिन रंग खेलने से जीवन में खुशियों के रंग आते हैं और मनुष्यत दूर भाग जाती है। अगर आप घर से बाहर जाकर होली नहीं खेलना चाहते हैं तो घर पर ही होली खेलिए, लेकिन खेलिए ज़रूर। दोस्तों, सुबह सुबह पहले भगवान को रंग चढ़ा कर ही होली खेलना शुरू कीजिए। एक दिन पहले जब होली जलाई जाए तो उसमें ज़रूर भाग लें। अगर किसी वजह से आप रात में होली जलाने के वक्त शामिल न हो पाए तो अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले जलती हुई होली के निकट जाकर 3 परिक्रमा करें। होली में अलसी, मटर, चना, गेहूं की बालियां और गन्ना, इनमें से जो कुछ भी मिल जाए उसे होली की आग में ज़रूर डालें। परिवार के सभी सदस्यों के पैर के अंगूठे से लेकर हाथ को सिर से ऊपर पूरा ऊंचा करके कच्चा सूत नापकर होली में डालें। होली की विभूति यानी राख घर में जरूर लाएं। पुरुष इस भस्म को मस्तक पर और महिला अपने गले में लगाएं, इससे ऐश्वर्य बढ़ता है। फ्रेंड्स, घर के बीच में एक चौकोर टुकड़ा साफ करके उसमें कामदेव का पूजन करें। होली के दिन मन में किसी के प्रति शत्रुता का भाव न रखें, इससे साल भर आप शत्रुओं पर विजयी होती रहेंगे। घर आने वाले मेहमानों को सौंफ और मिश्री जरूर खिलाएं, इससे प्रेम का भाव बढ़ता है। अब दोस्तों, मैं आपको यह बताऊंगी कि किस राशि वाले को किस रंग से होली खेलनी चाहिए। मेष राशि वाले को लाल रंग से होली खेलनी चाहिए, वृष राशि वाले को नीले से, मिथुन राशि वाले को हरे से, कर्क राशि वाले को गुलाबी रंग से, सिंह को ऑरेंज से और कन्या राशि वाले को हरे से, तुला राशि वाले को नीले से, वृश्चिक राशि वाले को मैरून से, धनु राशि वाले को पीले से और मकर राशि वाले को नीले से, कुंभ राशि वाले को पर्पल से और मीन राशि वाले को पीले रंग से होली खेलना चाहिए। आप चाहे तो अपने रंगों में अबीर गुलाल से खुशबू मिला सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या करें होली खेलने के बाद। दोस्तों, नहा धोकर आप साफ सुथरे अच्छे से कपड़े पहनेंगे, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो अपने ड्रेस में लगाने या रखने से होली के दिन साल भर के लिए आपकी किस्मत सवार देगी, मैं राशि के द्वारा आपको बताना चाहूँगी। मेष राशि वाले जातक, नए कपड़े पहनकर सीधे घर के मंदिर में जाएं और भगवान का आशीर्वाद लें। ध्यान रखें, सीधे जाना है, इस बीच में आपको कोई भी बात किसी से नहीं करनी है। अब बात करते हैं वृष राशि वाले जातक के लिए। नए कपड़े पहनने के तुरंत बाद सीढ़ियां चढ़ें या गणेश जी के दर्शन करें। मिथुन राशि वाले जातक के लिए आपको खजूर खाने हैं या फिर आप मोजे जरूर पहने। अब बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक के लिए, केसर की पत्ती मुंह में डालें। सिंह राशि वाले जातक के लिए लाल सिंदूर का टीका मस्तक पर लगाएं। कन्या राशि वाले जातक के लिए कपूर को हाथ में मसलकर सूंघना चाहिए। तुला राशि वाले जातक के लिए शहतूत खाना चाहिए। वृश्चिक वाले जातक के लिए सर पर टोपी लगाना या पगड़ी बांधना विशेष शुभ होता है। अब बात करते हैं धनु राशि वाले जातक के लिए, नए कपड़े पहनने के बाद बाईं आंख से चांदी को स्पर्श करना शुभ होता है। मकर राशि वाले जातक के लिए नए कपड़े में एक पैन लगाकर घर से निकले। कुंभ राशि वाले जातक के लिए नए कपड़े पहनने से पहले चेहरे को दही से धोना चाहिए और कपड़ों पर सुगंध जरूर लगानी चाहिए। अब बात करते हैं मीन राशि वाले जातक के लिए, नए कपड़े पहनने के बाद थोड़ा गुड़ खाना शुभ रहेगा। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा। आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल टॉपिक बॉक्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
क्योंकि यह फ्री है। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय माता दी। रंगों की बारात लेकर देखो होली आई है, राधा जी से मिलने को आने वाले कृष्ण कन्हाई हैं, चारों ओर रंग बरस रहा हुए रंग बिरंगे सारे, कृष्ण आए बरसाने, राधा जी रहा निहारे। हैप्पी होली फ्रेंड्स।